नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार कैरियर हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। और इस सबर की इस पावन धरा पर दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और आज इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची हैं दिचाऊ कला वार्ड से पार्षद हैं श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान। पूर्व में नजफगढ़, जो दिल्ली नगर निगम का नजफगढ़ जोन है, उसकी चेयरपर्सन रह चुकी हैं और लगातार क्षेत्र में हर गतिविधि में आगे बढ़कर के अपना प्रतिभागिता दर्ज कराती हैं और आज यहाँ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पहुंची हैं नीलम चेयरमैन जी। आइए जानते हैं नीलम जी से। नीलम जी, आज यहाँ आप खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, जो खेल है वो हमारे समाज के और हमारे भारत के अहम हिस्से रहे हैं और इसी से हमारा नहीं तो पूरे विश्व में खेलों से ही नाम रोशन रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे युवा आज एक खेल के प्रति जागरूक है, चाहे वो कबड्डी का खेल हो, चाहे वो कोई भी खेल हो, इससे तन मन की तो शक्ति मिलती है, साथ साथ एक दूसरे को देखकर प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे जज्बे से खेलने का मौका मिलता है जी। और नीलम जी, आज ईसापुर में आप मेले में भी आई थी, आपने दंगल भी देखा था, क्या लगता है आपके क्षेत्र में खिलाड़ी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, नजफगढ़ आपकी कर्म भूमि रहा है, हम चाहे आपके परिवार की बात करें, नजफगढ़ को आपने अपने खून पसीने से सींचा है, क्या कहना है जब आपके इस नजफगढ़ क्षेत्र में खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं? हम बात करें आपके गाँव दिचाऊ की, मधु मालवीय जो लड़की है उसने एशिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये दिचाऊ गांव के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे गांव में मधु मालवीय जैसी बहुत सी लड़कियां जो कबड्डी में और दो तीन और लड़के हैं जो गेमों में कोई गोल्ड मेडल कोई सिल्वर मेडल लेके आया है। और इसी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में दिचाऊ का ही नहीं, नजफगढ़ का और दिल्ली का नाम भी बहुत रोशन होता है और इससे बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे जो देहात के बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, जिनका कोई अप्रोच नहीं है, फिर भी वो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिस मुकाम को पाने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें की जाती हैं। और मधु मालवीय का हमने गांव में भी बहुत तगड़ा स्वागत किया था और आज भी मैं तय दिल से मधु मालवीय का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी बेटी सबके घर में जन्म ले जो केवल अपने परिवार का ही नहीं अपितु पूरे अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन किया है। और ईसापुर यूथ ब्रिगेड के सदस्यों ने आज आप यहां मुख्य अतिथि के तौर पर पधारी हैं, आपने खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया है, ईसापुर के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे इतने भव्य आयोजन के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं यूथ शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनमें इतना जज्बा है जो अपने रिस्क पर अपने पैसों को इकट्ठा करके एक गेम जो उन्होंने अपने गाँव में खिलाने का काम किया है, ये बड़ा सराहनीय कदम है और मैं इनसे यही उम्मीद करती हूँ कि समय समय पर ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन वो करते रहे जिससे बच्चों में भी उत्साह होगा और गांव के लोगों को भी अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए, अपने युवाओं का नाम रोशन करने के लिए पूरे समाज में एक मौका मिलेगा जी। और निश्चित तौर से नीलम जी का मानना है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से युवाओं में एक मैसेज जाएगा खेल प्रतियोगिता। हमारे साथ मनोज राजपूत है, युवा उजवा गांव से है और उजवा गांव में भी दो दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है नए नए अध्यक्ष बने हैं उजवा विकास संगठन के, मनोज जी को ये नई जिम्मेदारी मिली है, आइए जानते हैं मनोज जी आपके गांव में दो दिवसीय खेल है, क्या कहना है? जी, इन खेलों से हम यही कहना चाहेंगे बच्चों का आने वाला समय अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो और खेलों से खेलों में निकल के आजकल बच्चे सरकारी नौकरियां भी पाते हैं, खेल में निकल के एक भविष्य अच्छा चुन पाते हैं और आगे इसमें भविष्य उनका अच्छा रहेगा जी। और यहां ईसापुर पहुंची नीलम कृष्ण चेयरमैन पहलवान ने यहां पर धन्यवाद किया है समस्त आयोजकों का और ईसापुर यूथ ब्रिगेड के सदस्यों का जिन्होंने इस तरह की प्रतियोगिताएँ आयोजित कर खेल में एक मैसेज दिया है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। भाई, दो मिनट का टाइम दिया जाएगा दोनों टीमें, समय बहुत कम है, मैच अभी बहुत रह रहे हैं। शुक्रिया नीलम जी।